बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सामाइन, एक ऐसी रात जिस रात में इंसानी ज़िंदगियों के बारे में बहुत अहम फ़ैसले किए जाएंगे, कौन मरेगा और कौन जिएगा, और कौन इस दुनिया में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा, और कौन इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहेगा, कौन गरीब से अमीर बन जाएगा, और किसकी ज़िंदगी का जवाल शुरू होने वाला है, और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। सामईन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शबे बरात की हकीकत क्या है, इस रात में नामाए एमाल क्यों तब्दील होते हैं, और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से अहम फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा ना ख्वास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए, इस रात कितने लोगों की मग़फ़रत की जाती है, और इस रात कौन से वो बदबख्त लोग हैं जिनकी मग़फ़रत नहीं की जाती, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में कौन कौन से अमल करने का इरशाद फरमाया, और एक मुसलमान होने के नाते हमें शबे बरात को कैसे गुजारना चाहिए। सामईन, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखेगा। सामईन, शबान मुहज्जम की 15वीं रात को शब बरात कहा जाता है। शब रात को कहते हैं और बरात के मानी है बरी होना। चूंकि इस रात को मुसलमान तोबा करके अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी तलब करते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का अहद करते हैं, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नम से निजात देते हैं, इसलिए इस रात को शबे बरात कहते हैं। हज़रत अता बिन यसा बयान फरमाते हैं कि लैलतुल कदर के बाद शबहान की 15वीं रात में से अफसल रात है। सामईन, यहाँ पर आपको बताते चलें कि शबे बरात अल्लाह ताला ने फरिश्तों के लिए ईद का दिन मुकरर किया है। जिस तरह अल्लाह ताला ने ज़मीन पर रहने वाले इंसानों को दो ईदें अता फरमाई हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने आसमान वालों के लिए भी दो ईदें मुकरर फरमाई हैं, एक शबे बरात और दूसरी शबे कदर। इंसान चूंकि ये दोनों ईदें दिन में मनाते हैं जबकि फरिश्ते ये दोनों ईदें रात को मनाते हैं, अल्लाह ताला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसलिए मुकरर किया क्योंकि इंसान रात को सो जाता है जबकि फरिश्ते रात को सोते नहीं, वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहते हैं। सामईन, शबे बरात के मुतालिक अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, कसम है इस रोशन किताब की, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सरीन लिखते हैं कि इस शब से मुराद शब कदर या शब बरात है, और हज़रत अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर मुफस्सरीन बयान करते हैं कि लैलतुल मुबारका से मुराद शब बरात है। सामईन, इस रात के अंदर उन तमाम लोगों की फहरस्त तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले होंगे और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे, और जो हज करने वाले होंगे, इन तमाम लोगों के नाम इस फहरस्त के अंदर लिख दिए जाते हैं। इस फहरस्त में दर्ज होने वाले हर हुक्म की तामील में ज़रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। सामईन, हज़रत आयशा सदीका बयान फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शबान की 15वीं शब में क्या होता है? तो हज़रत आयशा सदीका ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों के साल भर के एमाल उठाए जाते हैं, और इस रात में लोगों का रिस्क मुकर्रर किया जाता है और रिस्क उतारा जाता है। हज़रत अता बिन यसा बयान फरमाते हैं कि शबान की 15वीं रात अल्लाह ताला मलकुल मौत को एक फहरस्त देकर हुक्म फरमाते हैं कि जिन जिन लोगों के नाम इस फहरस्त में लिखे हैं उनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्रर वक्त पर कब्ज करना। सामईन, इस रात में लोगों की ज़िंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है, जबकि लोगों के हालात ये होते हैं कि वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं, कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में लगा होता है, तो कोई अपनी कोठी और बंगला तैयार करने की कोशिश में लगा होता है, कोई अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होता है, जबकि वो ये नहीं जानते कि इसका नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिखा जा चुका है।
हज़रत उस्मान से मरवी है कि सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शबान से दूसरी शबान तक लोगों की ज़िंदगी मुनक़ता करने का वक्त इस रात में लिखा जा चुका होता है, यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और उसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दों की फहरस्त में लिखा जा चुका होता है। सामईन शब बारात की एक बहुत बड़ी खसूसियत ये भी है कि इस रात में अल्लाह ताला बेशुमार लोगों की बख्शिश फरमाते हैं। जैसे कि हज़रत आयशा बयान फरमाती हैं कि एक रात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया तो मैं आपकी तलाश में निकली, मैंने देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा है और आपने फरमाया क्या तुम्हें यह खौफ है कि अल्लाह ताला और उसका रसूल तुम्हारे साथ ज़्यादती करेंगे। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ़ ले गए हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेशक अल्लाह ताला शबान की 15वीं शब आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवा गर होता है और कबीला बनू कलम की बकरियों से भी ज़्यादा लोगों की मगफरत फरमाता है। हज़रत अबू बकर सदीक रवायत करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शबान की 15वीं शब में अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक जलवा गर होते हैं और इस शब में हर किसी की मगफरत फरमा देते हैं सवाए उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और बुग़्ज़ रखने वाले हों। और एक दूसरी रवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला शबान की 15वीं शब में अपने रहम व करम से तमाम मखलूकात की बख्शिश फरमा देता है सिवाए उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और कीना रखने वाले हों। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला अपनी रहमत से दो शख्सों के अलावा सब लोगों की मगफरत फरमा देता है, एक वो शख्स जो कीना रखने वाला हो और दूसरा वो शख्स जो किसी को नाहक कत्ल करने वाला हो। सामईन शब बारात में फरिश्तों को बास अमूर दिए जाते हैं और शब बारात एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह ताला मुसलमानों की मगफरत फरमाते हैं और दुआओं को कबूल फरमाते हैं। जैसा कि हज़रत उस्मान से रवायत है कि शब जब ये आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद होता है कि कोई है जो मगफरत तलब करने वाला हो मैं उसके गुनाहों को बख्श दूँ, कोई है जो मुझसे माफ़ी मांगने वाला हो मैं उसे अता करूँ। उस वक्त अल्लाह ताला से जो भी मांगा जाए वो मिलता है, वो सबकी दुआओं को कबूल फरमाता है सवाए बदकार औरत और मुशरिक शख्स के। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब शबान की 15वीं रात आती है तो रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त ही अल्लाह ताला की रहमत आसमान दुनिया पर नाजिल होती है और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई है जो रिस्क मांगने वाला हो मैं उसको रिस्क दूँ, है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसकी मुसीबत से उसको निजात दूँ। ये ऐलान तलुए फजर तक अल्लाह ताला की तरफ से होता रहता है। सामईन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। रवायात में आता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा शबान मुकर्रम में सबसे ज़्यादा रोज़े रखा करते थे और अल्लाह ताला की इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाया करते थे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान मुबारका में बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे और सहाबा कराम को उसकी तलकीन किया करते थे। लेकिन अफसोस कि आज के दौर में लोग इस मुकद्दस रात को आतिशबाजी की नज़र कर दिया करते हैं। जिस रात में अल्लाह ताला से मगफरत तलब करनी चाहिए उस रात को आज के मुसलमान फजूल खर्ची और आतिशबाजी में गुजार देते हैं और अल्लाह ताला को राज़ी करने के बजाय उल्टा उन गुनाहों के अंदर मुब्तला होकर अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करने लगते हैं और अल्लाह ताला को नाराज़ कर देते हैं। सामईन, इस रात के अंदर हमें कसरत से अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और हमें हमेशा हमेशा के लिए अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारा नाम भी उन लोगों की फहरिस्त में लिखा जा चुका हो जो इस साल इस दुनिया से जाने वाले हैं। हमें चाहिए कि हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। इस रात को अल्लाह ताला की इबादत में गुजारना चाहिए और शब बेदारी करना चाहिए, जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी शब बेदारी करते और दूसरों को भी शब बेदारी करने की तलकीन फरमाते और अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म इरशाद फरमाते। अल्लाह पाक से दुआ है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए और इस रात के सदके अल्लाह ताला हमारी और तमाम मुसलमानों की मगफरत फरमाए। सामईन, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
सामिन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सामिन, इन वीडियोस को अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों के इल्म में भी इजाफा हो सके। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।